तो भैया मैं कह रहा, ये जो मैंने चैनल बनाया है ना, ये अयान के नाम से है, अयान 2.0। इसे ना भैया ये लोंडे हिट्स कर रहा है, इसलिए बना दिया यार। मेरा तो कोई मन ही नहीं था। हाँ, तू कह रहा है ना चैनल बना लो, मैं कह रहा कोई सब्सक्राइब ना करे ना कोई लाइक देगा। तू नहीं माना यार, क्या बात कर दे, सब्सक्राइब ले लग जाएगी। अच्छा तो देख लेंगे, अभी डालेंगे वीडियो न, और अगर देख ली लाइक ना आई ना, देख लिए फिर। हाँ देख बता रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आयन 2.0। और ये मेरे मित्र हैं, दोनों साथ में काम करते हैं, और आज हम लेके चलते हैं आपको कहीं ऐसी जगह जो शायद आपने देखी तो होगी, लेकिन मतलब कुछ लोगों ने ही देखी होगी और कुछ लोग उसे देखने से मतलब रह चुके हैं। तो मैं आज आपको सभी मतलब सभी को दिखा दूंगा आज ये सारी चीज़ें, और बहुत ही अच्छी जगह है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। ये हमारे साथ, हम आपको लेकर चलते हैं उस जगह पे। थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, अभी हम बाइक पे हैं और जो मतलब चल ही रहे हैं बस। हम पहुंच चुके हैं जहां पे हमें जाना था। आश्रम पर, और मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ जो क्या इसमें क्या क्या खासियतें हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मतलब देखने लायक हैं, और जो इसके अंदर खास बात है वो चीज़ें मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आज। तो बता दूँ मैं, ये जो मंदिर पड़ता है मुरादाबाद से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, और आप अगर इधर से अनूपशेर की तरफ से आएंगे तो आपको 7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये मेन गेट है इसका जहाँ से क्या एंट्री होती है, और पहुँचते ही पहुँचते ये एंट्री गेट है इसका, और आपको सामने ही पहले जैसे ही आप एंट्री करोगे इसके अंदर तो आपको बाबा के दर्शन होंगे। ये देख सकते हैं आप, ये सबसे पहले आपको बाबा के दर्शन होंगे इस पर। ये देख सकते हैं, और इस वक्त मैं ऊपर हूँ और आपको पीछे दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, यहाँ से भी देखने में अच्छा लगता है। और मैं आपको ले चलता हूँ अब इसके अंदर की तरफ, जो बड़ा और मेन मंदिर है जहाँ पे हरि बाबा की प्रतिमा बनी हुई है, एकदम ओरिजिनल, एकदम मस्त वाली। ये देखिए अंदर का, आप देख सकते हैं कितना अच्छा और बेहतरीन बना हुआ है सब कुछ। ये बड़ा मंदिर है, ये देख सकते हैं आप, इसकी काफ़ी ऊंचाई है, और अच्छा फेमस स्थान है यार ये, यहाँ पर सभी लोग दूर दूर से चलकर आते हैं दर्शन करने के लिए बाबा के। आपको मेन गेट, जो बाबा का जो असल मतलब जो अच्छी प्रतिमा बनी हुई है, यहाँ देख सकते हैं। देखिए आप, ये दान पत्र रखा हुआ है, इसमें मैं कुछ पैसे लिखी देता हूँ। और ये देखिए आप, इसका पिछला हिस्सा मंदिर का, जहाँ पे यहाँ पे भी कुछ मूर्तियाँ लगी हुई हैं, फोटो वगैरह, ये बचपन जो जवानी अवस्था की, ये हरि बाबा की यंग अवस्था की फोटो है। और ये देख सकते हैं आप, ये भी यहाँ पे भी कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं। देखिए, और अब मैं आपको एक मंदिर और दिखाने वाला हूँ, जो कि
काफी अच्छा है। ये देखिए सबसे अच्छा, वो भी मंदिर सबसे अच्छा था। और मैं आपको एक बार और सब दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, मैं बीच में खड़ा होकर आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं भाई लोगों, ये मेरा पहला व्लॉग है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ तस्वीरें वगैरह बिकने का काम होता है, देख सकते हैं। तो इसका एक्सिट गेट है, मतलब बाहर निकलने वाला रास्ता। और इधर और आपको बहुत अच्छा कुछ देखने को मिलेगा। इधर कुछ और फेमस चीज़ें हैं जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ आज। सबसे बड़ी बात क्या है इस मंदिर पर कि यहाँ पे ना 24 आवर्स ये कीर्तन होता रहता है, भजन होता रहता है। वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज। और ये ना कभी भी बंद ही नहीं होता है, ये रात में भी दिन में भी मतलब बजता ही रहता है। ये चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ मैं आज कि कितने श्रद्धा से ये लोग इसका बजाने का काम। ये देखिए, देख सकते हैं आप, और मैं भी इसमें बैठ जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण जी की प्रतिमा बनी है। ये देख सकते हैं आप कितनी सुंदर जगह है यार। देखिए, मैंने गेट में एंट्री मार दी है। और ये देखिए आप, मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको कुछ। देखिए ये कितना अच्छा है, आप देख सकते हैं इसे। ये शंकर भगवान जी की प्रतिमा है, पर जानकारी इसके बारे में नहीं है, आप बता सकते हैं। लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से पूछा लेकिन मुझे पता नहीं चला इसके बारे में कि ये कौन है। ये आप बताओगे मुझे कमेंट में। ये देखिए, इधर भी एक मंदिर है और मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ अब। छोटू क्या कर रहा है इधर? देखिए आप, ये भी एक मंदिर है और इसके अंदर मोबाइल ले जाना मना है, इसलिए मैं आपको अंदर जाकर नहीं दिखा सकता। ठीक है, पुजारी जी ने मना किया इसके अंदर मोबाइल ले जाने के लिए, तो मैं बाहर से दिखा सकता हूँ आपको। और एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, कितना बड़ा फील्ड है यार ये। और ये क्या है, ये आप मुझे पढ़ के बताइए ये क्या लिखा हुआ है। ये आपको मैं बताता हूँ, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं ये क्या है। मुझे पता नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये आप बताइए मुझे क्या है ये लिखा हुआ। ठीक है भाई। और ये देखिए, अब मैं तुम्हें एक जगह और ले चलता हूँ। ये देखिए आप, सबसे बेटर जगह, बिल्कुल ये देखिए, और सीताराम। ये देखिए आप, ये देख सकते हैं कितना बड़ा एलिफेंट बना हुआ है ये। और ये देखिए, तो गाइस मैं दिखा चुका हूँ आपको। और अब चलते हैं हम अब घर की तरफ और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और इधर है यार, ओ मेरे भाई, मेरे पिरा, ओ यार, ओ मेरी वीडियो लाइक कर यार। हाँ, ओ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दे मेरे पड्डे पिरा।